पीछे 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 हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे ओए आहिस्ता 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 आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज का सीन ये है भाई साहब कि अभी मैं एक लेके आया हूँ गिफ्ट मोहम्मद के लिए। मैं नहीं लेके आया बल्कि मोहम्मद का चाचू लेके आया। तो अभी नबील भी अंदर गए हैं मोहम्मद को लाने के लिए और उसको देते हैं सरप्राइज। मोहम्मद आ चुका है, मोहम्मद आओ आओ जल्दी आओ। ये क्या है? हम आपके लिए क्या मेरे साए साए पक्की बात है साए ये साए होते हैं खरगोश। देखो खोल के क्या है, खोल के देखो क्या है इसके अंदर। नहीं 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 इधर नहीं खोलना, इधर नहीं खोलना, इधर नहीं खोलना। क्या होगा मोहम्मद इसके अंदर? खरगोश वाले साए। तो भाई ये देसी गुलाबी मिक्स चलता है। तो ये अभी जो भी सरप्राइज है इसको हम लेके चलते हैं पिंजरे के अंदर और उधर जाके इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी ये नबील भाई ने उठा लिया है डब्बा और अभी हम इसको लेके चलते हैं नीचे, वो पिंजरा रहा और उसमें जाके करते हैं इसको अनबॉक्स। सरप्राइज आ चुका है, सरप्राइज आ चुका है। चलो जी अंदर जाओ मोहम्मद, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अली भी आ चुका है, मोहम्मद का दोस्त भी आ गया है। दोनों ने इसको खोलना है, खोलें इसको भाई, इसके अंदर क्या है? क्या था मोहम्मद है? नहीं ना खोल इसकी, खोल खोल पहले। ओ पहले खोलो इसको बाद में आ करना। निकालो सब बाहर मोहम्मद, बाहर निकालो। तो मैं जाता हूं भाई अंदर और जाके इनको खोल के देता हूं जो कुछ भी है इस बॉक्स के अंदर। भाई इसको करते हैं ओपन अभी। जिस बंदे ने ये बंद किया है लगता है कि उसके पड़ोस में किसी दर्जी की दुकान हुई और सारे बचे हुए कपड़े लेके इसको ओपन कर लिया गया है और इसको बांधा गया है। ओपन करते हैं अभी, देखते हैं मोहम्मद का रिएक्शन कैसा आता है। काफी दिनों से आहिस्ता 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 पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे ओए पीछे हो जाओ। नहीं आराम से पकड़ो इनको, आराम से इस मिला करके ये नहीं 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 ये देखो ये आ गया। अलिया की साइड हो भाई साहब, पंच मार गया मुझे। ये दूसरा ये रहा, ये इसको मैं निकाल देता हूं। तो ये आ गया भाई हमारा दूसरा खरगोश भी। ये रहे दोनों खरगोश, ये रहे। खुश हो गए हो? बिल्कुल खुश हो गए हो? पप्पी दो इसको मोहम्मद, पप्पी शप्पी पप्पी छोड़ो इसको, आराम से पकड़ते, ऐसे नहीं पकड़ते, बस छोड़ो। आ जाओ बाहर, ये कपड़े बाहर ले आओ, ये जो कपड़े पड़े हुए ये उठा के बाहर ले आओ। वो भी ले आओ, वो बॉक्स भी ले आओ, बॉक्स। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ ना, बताता हूँ नंबर क्या है। हाँ इसको कुंडी लगा दो, चलो शाबाश, बंद कर दो इसको। बंद करो बंद करो, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बंद हो गए, ये बंद हो गए। हाँ जी तो अभी खरगोश तो आ गए भाई और खरगोशों की वारदातें भी आपको दिखाता हूँ। इनको कुछ खाने पीने के लिए भी डालना पड़ेगा हमें, कोई ना कोई चीज़ जाते हैं घास से। जब मैं बंद करके आ गया था उनको, उसके बाद मैंने कोई चीज़ उनको नहीं डाली। तो अभी जाते हैं इनके लिए थोड़ा घास लेके आते हैं, इनको डालते हैं ताकि कुछ खाएँ और पानी शानी भी रखते हैं ताकि कुछ पिएँ भी। हाँ जी तो सुबह से हमारे मुजफ्फर शाह ये जगह साफ़ कर रहे थे, इस जगह पर लगाना है लहसुन। तो इधर ये घास काटा हुआ है यही डाल देते हैं, इतना ज़्यादा तो खरगोशों ने भाई खाना नहीं है, थोड़ा सा ले जाते हैं उनके लिए, बस इतना बहुत है। ये बहुत है उनके लिए, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा है अगर ये खा लें, कि उनके पेट हैं छोटे छोटे भाई, वो फुल हो जाएंगे इंशाल्लाह इसी से। भाई हमारी ज़रूरत ही नहीं है घास लाने की, ये ऑलरेडी शेर जो है उनको घास तो घास, साथ में छलियाँ भी डाली हुई हैं और पानी भी रखा हुआ है। मोहम्मद ये किसने रखा है? अनिल चाचू ने। तो आपके कपड़े किधर से फटे? इन्होंने फाड़े। कैसे? मैं वहाँ पर निकाले और फाड़ दिए इन्होंने। ये चेक करें जी, खरगोशों ने इसके कपड़े फाड़ दिए हैं, ये हालत देखें इसकी। ये आया ना अकेले में इधर, तो इनको पकड़ रहा था, तो जिसको पकड़ा तो उसने भाई जो है ना अपने पाँव के नाखून से इसके कपड़े फाड़ दिए। ये घास भी इनको डाल देते हैं,
देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं। ये आगे जाता हूँ। खोलो। हाँ बोल सकते हैं। खुल जाएगा आपसे? खुल जाएगा। हाँ चलो ये डाल दो उसको। डालो 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 डालो। आगे ओप निकल जाएगा। किधर निकल जाएगा? इसके अंदर बिल्ली भी आ सकती है, उस तरफ से इसको बंद करना पड़ेगा। चलो ये डाल दो बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घास डाल के आओ, देखो खाते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बंद करो। वो देखें जी, खरगोश ने घास खाना शुरू कर दिया है। उसने नहीं खाना। वो तो खा रहा है, दूसरा भी खाएगा अभी आके इंशाल्लाह। हाँ जी, तो सीन चेक करें शाम के, आपको एक खास चीज दिखाता हूँ। मोहम्मद को चेक करें, अपने ताया जान के घोड़े पे, और ये दूसरी साथ में मखमल, ये दोनों ऊपर थे अभी नीचे उतरे हैं। और साथ में इधर चेक करें ना, नज़ारे माशाल्लाह कितने हैं प्यारे। इधर हमारे मुजफ्फर शाह मेहनत करते हुए जानवरों के लिए घास काटा है और जगह भी साफ हो चुकी है। मुजफ्फर शाह, इस जगह पे क्या लगेगा? थूम लगाएंगे मासी की है। थूम लगाएंगे इंशाल्लाह, थूम लगाएंगे। थूम या सरसों? सरसों नहीं है, सरसों को क्या करेंगे, थूम बहुत महंगा है, वही लग जाए तो वो ज़्यादा सही है। क्या ख्याल है, हम सरसों इस्तेमाल तो नहीं करता इस तरह, वो तो बाजार से ही लाता है ना जो भी लाता है। ये चेक करें ना माशाल्लाह, साथ ही साथ सूरजमुखी के फूल कितने खूबसूरत लगते हैं भाई फसलों के अंदर। हमने नहीं लगाए हुए इस बार बिल्कुल भी, साथ लगे हुए हैं। इधर सिस्टर के घर है ये ऊपर, तो उनकी जगह पे चेक करें ना कितने लगे हुए हैं। ये मुजफ्फर शाह ने घास की पूरी जो है ना भाई, इसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं पंड, मुझे उठवा दो मैं ले जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर चक्कर लगाओगे। चलो अब आपने वो कपड़े पहने हुए हैं तो चलाओ काम, फिर क्या हो सकता है, ना हो तो मैं ले जाता हूँ। चलो उधर चलते हैं अभी भाई। ये माशाल्लाह से मुजफ्फर शाह ले आए हैं घास और भैंस, चेक करें भाई किस तरह से उनके साथ साथ जा रही है सुकून तरीके से। ये चेक करें, दूसरी भी आ गई पीछे पीछे, तीसरी भी, और वो दो पानी पी रहे हैं उधर से। जैसे ही घास फेंकेंगे इधर तो सारी भैंसें इकट्ठी हो जाएंगी घास के पास। ये चेक करें जी माशाल्लाह, देसी केले पड़ोसियों के पके हैं, उन्होंने दिए हैं, हमने अभी अपने जो है ना भाई उनको रखा हुआ है, वो पकेंगे एक दो दिनों में, तो फिर हम जो है उनको चेक करेंगे। इसको अभी चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है, और हम चेक करेंगे अपना, क्योंकि हम फुल भाई नेचुरल माहौल में उसको पका रहे हैं, उसमें मिठास ज़्यादा होती है, इसको चेक करते हैं भाई इसका टेस्ट जो है वो ठीक है। ये अंदर से अभी सही नहीं पका हुआ, इधर लाए कैमरा मैन साहब, ये चेक करें अंदर से ये सही नहीं पका हुआ, थोड़ा थोड़ा कच्चा है। तो हमने भाई रखे हुए हैं, उनको तीन चार दिन लगेंगे, उसके बाद पकेंगे, और पूरी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी। हाँ जी, तो अभी चलते हैं मकई के अंदर और जाके भाई ले आते हैं छलियाँ खाने के लिए, अल्लाह करे इधर से ही कोई मिल जाए, कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े हमें। कच्ची है ये, अभी उस वाले खेत से लानी पड़ेगी, इसमें अभी सही नहीं पकी हुई, नीचे वाले से लेके आते हैं भाई। ये मिल गई एक छली हमें, और भी ढूंढते हैं भाई इधर से ही मिल जाएंगी, इधर चेक करना ना कितनी पकी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं पकी हुई इधर। अल्हम्दुलिल्लाह जी छलियाँ छलियाँ तोड़ ली हैं, दो एक ही तोड़ी हैं मैंने, क्योंकि रोज़ खाते हैं सब, तो भाई इतनी ज़्यादा जो है ना खाने भी नहीं होते। तो ये था आज का एक हमारा खूबसूरत सा व्लॉग, इंशाल्लाह जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।